कोरोना में लॉकडाउन लगने से लोग बेरोजगार हुए हैं। दाने दाने के लिए कई बेरोजगार बेसहारा लोग तरस रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई शिव भोजन थाली एक संजीवनी का काम करी है। मुफ्त में शिव भोजन थाली मिलने से गरीब बेसहारा बेरोजगार लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन कामकाज कर रही है। लॉकडाउन लगाए जाने से शहर से अधिकांश लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे में करे तो करे क्या, इस बात को लेकर शहर के कई लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। शहर के बेसहारा गरीब जरूरतमंदों को राज्य सरकार की ओर से शिव भोजन थाली दी जा रही है। शहर के कई क्षेत्र में शिव भोजन थाली सेंटर्स भी शुरू है। शुरू के दौर में यही शिव भोजन थाली 10 रुपए में दी जाती थी। कुछ दिनों बाद शिव भोजन थाली की कीमत 5 रुपए कर दी थी, लेकिन आर्थिक बदहाली को लेकर गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोग इस शिव भोजन थाली का आनंद नहीं ले पा रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने शिव भोजन थाली गरीब बेसहारा और जरूरतमंदों को फ्री में देने का मन बनाया, जिसके चलते शहर के शिव भोजन सेंटर में जरूरतमंदों की फोटो और जानकारी लेकर सेंटर चलाने वाले फ्री में शिव भोजन थाली का वितरण कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा शिव भोजन यह एक थाली का काफी अच्छा उपक्रम जारी किया गया था, जिसके चलते शुरू के दौर में 10 रुपए लिया जाता था, मगर अब की बार कोरोना ने जिस प्रकार से ये जो आतंक मचाया उसके चलते कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोगों के बेरोजगार लोग हुए हैं। ऐसे में शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन शिव भोजन थाली ये उनके लिए संजीवनी का काम कर रही है जो फ्री में बांटे जा रहे हैं, ऐसा कहना है। आइए खुद पूछते हैं जिन्होंने ये थाली लिया है। सर आप बताइए कि ये शिव भोजन की जो थाली लिया कितने पैसे दिया, क्या कहना चाहोगे? मुझे शिव भोजन की थाली बिना पैसे से मिली है। क्या क्या दिया गया उसमें खाने के लिए? दो रोटी दाल चावल सब्जी। क्या नाम है आपका? नत्थू जी। तो यहाँ पे कतारें लोगों की देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी अच्छा पालन किया जा रहा है, हर कोई मास्क लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटी की पैकिंग की जा रही है, दाल सब्जी की पैकिंग की जा रही है, और जो लोग आ रहे हैं उनको यह शिव भोजन थाली दी जा रही है। अब हम सीधा रुक करेंगे जो शिव भोजन थाली चलाने वाले कुछ यहाँ पे संचालक उनसे चलना चाहेंगे। मैडम ये बताइए कि पहले आप पैसे लेते थे, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हो और क्या क्या दे रहे हो शिव भोजन थाली में? लॉकडाउन की वजह से हम पैसे नहीं ले रहे और गरीब जनता को खाना खिला रहे, दाल चावल रोटी और सब्जी दे रहे। पहले कितना पैसे लेते थे? पहले 10 रुपए लेते थे, फिर 5 रुपए हुए, अभी फ्री दे रहे। रोजाना कितने लोग आ रहे मैडम? रोजाना 200-250 लोग आ रहे। एक बात तो तय है कि जहाँ पे कोरोना का आतंक है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं खाने के लिए जिनके लाने पड़े, ऐसे में ये जो शिव भोजन थाली है ये इनको निःशुल्क दी जा रही है और जिसका लाभ शहर के कई गोर गरीब और बेसहारा लोग ले रहे हैं। ये सरकार की काफ़ी अच्छी कामयाबी कही जा सकती है। टुकड़ो जी पुतला चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।